क्या हाल है व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अल्लाह की रहमत और बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके रिस्क में बरकत दे, आपके खाने का ज़ायका सलामत रखे, आपको तंदुरुस्ती और ईमान वाली ज़िंदगी दे, हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, इस बीमारी को, इस वबा को हम से, हमारे मुल्क से, पूरी दुनिया से दूर कर दे। आमीन सुमा आमीन। मैं बनाने लगी हूँ, मेरे पास ये बीफ है, ये तकरीबन 1 किलो का पीस है बीफ का। मैं फ्राई बीफ बनाने लगी हूँ, इसको मैं बॉईल करूँगी प्रेशर में 6 गिलास पानी डालकर तकरीबन 1 घंटे तक 45 मिनट के लिए ये इसको बॉईल करूँगी। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसमें मैं 1 चम्मच नमक शामिल करूँगी, साथ में पानी है, 3 दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 साथ में मेरे पास बड़ी इलायची थी जो कि मैंने इसमें शामिल कर दी है। अब मैं इसको प्रेशर को बंद करूँगी और तकरीबन 45 मिनट बाद मैं इसको चेक करूँगी कि हुआ है, गोश्त गल गया है कि नहीं। बाद में हम इसको ठंडा करेंगे, पीसेस करेंगे। हाँ जी, हमारा प्रेशर हम खोलने लगे हैं, तकरीबन 1 घंटा लगा है प्रेशर को इसको बनने में, क्योंकि मैंने चेक किया था। पर अब मैंने इसको ठंडा करूँगी। ये देखिए जी, ये बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं इसको ठंडा करने के लिए रखूँगी, फिर जब इसके ठंडा हो जाएगा फिर मैं इसकी कटिंग करूँगी। ये बिल्कुल, ये देखिए नरम हो चुका है। ये देखिए हमारा जो पीस था बीफ का, ये बहुत देखिए ये टफ है, ये क्योंकि ये ठंडा होकर ये सख्त हो गया है। तो अब मैं इसको छुरी के साथ इसके ऊपर पीस करूँगी बारीक बारीक। ये है कि छुरी हमारी तेज़ होनी चाहिए। पीसेस कर लिए हैं, अब मैं इनको क्रम्स और अंडर का उगाऊंगी, फिर मैं इसको शैलो फ्राई करूंगी, डीप फ्राई नहीं करूंगी। ये मेरे पास 4 अंडे हैं, हाँ जी 4 अंडे हैं जो कि मैं जल्दी के साथ ही इनको बीट करूंगी। ऑयल मैंने पैन में डाल लिया है, मैं फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। अब मैं इनको अंडा लगाऊंगी, उसके बाद मैं इसको रस, मैंने रस का ही अब लिया है। मैंने इसमें अंडे में मैंने काली मिर्च और नमक लहदा से शामिल किया है। अब ये मैं मैदे में बनाने लगी हूँ। मैदे में मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, साथ में कुटी हुई सुरख मिर्च है, काली मिर्च है। हाँ तो बस देखें जी, हमारा बीफ फ्राई बीफ बन गया है माशाल्लाह से। देखें ये पीस जो है मैंने क्रम्स लगा के किया था, और ये जो थे मैंने रस उसके साथ मैदे के साथ किए थे। मैदे में मैंने सुरख मिर्च, काली मिर्च और नमक डाला था। जो मैंने क्रम्स लगा के किए थे उसमें मैंने अंडे में काली मिर्च और नमक लगाया था। ये तकरीबन 1 घंटा मैंने पकाया था बीफ के पीस को, और फिर ठंडा करने के बाद मैंने इसको कटिंग की थी इसकी। माशाल्लाह से बहुत टेस्टी बनता है, आप बनाएं। ईद के दिन है, बीफ के पीस घरों में होते हैं, छोटे हों बड़े हों, लेकिन बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। आप बनाएं, चाय के साथ खाएं, चाय के साथ इनको लें, या आप चावलों के साथ, रोटी के साथ, या आपकी मर्ज़ी पर है।
हमारी रेसिपी को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को पूरा देखें। और जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से वही दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, हमारे इदारों को मजबूत करें, हमें अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के साथ मुखलिस और वफादार रहने की तौफीक अता फरमाए। इस बीमारी को, इस वबा को हम से, हमारे मुल्क से, पूरी दुनिया से दूर ले जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम पर अपने घर के दरवाजे खोल दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन।